मुश्किल में फंसे हैं मोहम्मद शमी, कोर्ट ने जारी किया वारंट, अब शमी को बचाएगा अमेरिका। विश्व कप में भारत के लिए हैट्रिक और वेस्टइंडीज टूर पर शानदार गेंदबाजी करने वाले शमी मुश्किलों में हैं। पत्नी हसीन जहां के आरोपों के बाद कोर्ट ने शमी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि या तो शमी 15 दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहें। उम्मीद जताई जा रही है कि शमी वेस्टइंडीज से सीधा भारत आकर कोर्ट में हाजिर होंगे, लेकिन शमी ने भारत आने के बजाय अमेरिका का रास्ता पकड़ा। खबर है कि शमी बीसीसीआई के साथ साथ अपने अमेरिकी वकील के भी संपर्क में है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शमी 12 सितंबर को भारत लौटेंगे, इस समय वे अपने अमेरिकी वकील के संपर्क में हैं। अधिकारी ने कहा कि वेस्टइंडीज दौरा समाप्त होने के बाद शमी अमेरिका चले गए हैं और वह 12 सितंबर को भारत लौटेंगे। कोर्ट से मिले गिरफ्तारी वारंट मामले में वह वकील के संपर्क में हैं और उन्होंने इस मामले पर बोर्ड के लोगों से बात की है। अधिकारी ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, लेकिन इस समय हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। एक बार हम चार्जशीट देख लें, इसके बाद हम फैसला लेंगे कि चीजें किस तरह से होंगी, और अगर बीसीसीआई का संविधान कार्रवाई की इजाजत देता है तो करेंगे, लेकिन इस समय मैं यही कह सकता हूं कि इस मामले पर कोई भी कार्रवाई करना जल्दबाजी होगी। वैसे शमी की तरफ से उनके वकील ने कहा है कि ये गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि उन्हें केवल सरेंडर करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि वारंट जारी होने के बाद पत्नी हसीन जहां ने शमी को लेकर कहा था कि शमी को कोई नहीं बचा सकता। हसीन ने कहा था कि मैं पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रही हूं। मैं उम्मीद खोती जा रही थी, मैं आर्थिक तौर पर भी मजबूत नहीं हूं और ना ही मुझे किसी तरह का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि शमी के अन्य महिलाओं के साथ भी संपर्क है, साथ ही हसीन जहां ने शमी के परिवार वालों पर भी जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि जब शमी भारत वापस लौटते हैं तो क्या होता है।